तक वो आरोप आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहीं कहीं जनता के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि इस वजह से। और अगर हम बात करें चीन की, जिस चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी झूले पे झूले थे, आज वो पूरे हिन्दुस्तान को झूला रहा है। और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि 20 लोग जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिनके साथ पूरा देश है, वो किन परिस्थितियों में और कहाँ शहीद हुए, क्या चीन ने हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर ली या हमने उनके यहाँ घुसपैठ की जिसकी वजह से ये हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये है क्या। और दूसरी बॉर्डर पे हो रहा है उधर पाकिस्तान, उधर नेपाल और अब भूटान भी आके दिखाने लगा है। भूटान जो पानी छोड़ता था वो पानी देना बंद कर दिया, जिससे आसाम में दिक्कत आ रही है खेती की, वो पानी नहीं मिल रहा है। जो लोग जा रहे हैं भूटान उनसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। तो कुल मिला के चारों तरफ से देश घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों पे भी केंद्र की सरकार को जवाब नहीं दे पा रही, तो ये भी इशूज हैं जो इन चुनावों में रहेंगे। स्कूटर और जो चेकिंग चल रही है गाड़ियों, कल DGP जी साहब से भी मिले थे, बाकी चीज़ों के साथ उनसे बात की, उनसे बात की गई। एक तो दो सीट जाना अलाउ है, उनकी चेकिंग का क्या हो रही है। जो गाड़ी में जा रहे हैं 3 लोग, उनकी चेकिंग का क्या हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अननेसेसरी चौराहों पर पुलिस खड़ी करके आतंक पैदा करना और लोगों को परेशान करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये चौराहों की चेकिंग सरकार तुरंत कर रही है।